जब उन्होंने पहली बार आपको टीवी पे देखा था, उनके इमोशनल मोमेंट क्या थे? जी, पहली बार उन्होंने 20 सितंबर को देखा था मुझे टीवी पे 2017 में। आपको डेट याद है? जी, क्योंकि मेरे शो की लॉन्च डेट थी एंड बहुत बहुत रोए थे वो और मैं भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी हमारी फैमिली में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, मेरे साथ हैं ऋत्विक, जो कि ये रिश्ता है प्यार के में एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। ऋत्विक, वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। थैंक यू सो मच। क्या कैरेक्टर है ये? ये कैरेक्टर बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है और बहुत ही केयरिंग कैरेक्टर है। ये अपनी माँ और भाई से बेहद प्यार करता है। माँ और भाई में इतनी बनती नहीं है तो ये हमेशा एज अ ब्रिज एक्ट करने की कोशिश करता है, दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करता है और बस यही कोशिश करता है कि इन दोनों में कभी लड़ाई ना हो। और बिजनेस संभालता है अपनी माँ के साथ। ये जानता है कि इसकी माँ ने कितनी मेहनत करके बड़ा सा घर जो सेट आप देख रहे हैं वो खड़ा किया है। okay. तो उन्हीं के साथ ये बिजनेस हैंडल करता है। ऋत्विक ने अभी पूरा का पूरा कैरेक्टराइजेशन बता दिया है। एक एक्टर को इतना कैरेक्टराइजेशन का डिटेल समझना क्या जरूरी होता है? जी, आई थिंक बहुत जरूरी होता है। ये जानना भी कि पहले क्या हो चुका है उसके साथ और क्या होने वाला है उसके साथ, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। कितना असर डालता है? आई थिंक बहुत असर डालता है। और ये हमारा शो एक बहुत एक यूनिक शो है, इन द सेंस कि हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है अलग से। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों है, वो जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये ऐसा क्यों है, इतना चुप या इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ ये, इसने क्या देखा अपनी लाइफ में कि ये ऐसा बन गया। या फिर शाहिर भाई का कैरेक्टर जो इतना फुल ऑफ लाइफ है और इतना रिबेलियस है अपनी माँ के अगेंस्ट, तो वो क्यों है। तो सबकी एक बैक स्टोरी है और जितनी वो बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है उतना आई थिंक हमें भी एज एक्टर्स करने के मजा आता है। इसलिए कहते हैं जो एक्टिंग है वो रिएक्टिंग है पूरा, मतलब रिएक्शन का ही गेम है पूरा। जी बिल्कुल। तो आपने कब प्लान किया कि मुझे एक्टर बनना है? जी, आई थिंक मैंने एज सच प्लान नहीं किया था। मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ। मैं डांसर था दिल्ली में। ओके। सो आई वॉज इन माई कॉलेज डांस सोसाइटी, वहाँ से मैंने ऑडिशन दिया अपने पिछले शो के लिए जो कि कॉलेज पे था एंड आउट ऑफ नो वे मैं सेलेक्ट हो गया। मेरा पहला ऑडिशन था एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आपके साथ खड़ा हूँ आज। ओके। सो दिस इज माई सेकंड शो। जब हम शो देखते हैं तब तो लगता है कि यार बड़ा मजा है, मैं भी कभी काम करूँगा, लेकिन जब काम करते हैं और इतना हाईटेक शेड्यूल होता है उसमें भी ये चेहरे की ताजगी बनाकर रखना, ये परफॉर्मेंस बनाकर रखना कितना चैलेंज। जी, आई थिंक वही सबसे बड़ी बात होती है एक्टर्स के लिए। सब कहते हैं कि एक्टिंग करने में क्या रखा है, आप पढ़ाई ना करो तो एक्टर बन जाओ, ये होता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्टिंग करने के लिए बहुत चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है। आपको समझना होता है कि आपका बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। अगर मैं अभी घर जाऊंगा तो मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे सेट पे आना है। तो उस सेंस में बहुत डिफिकल्ट जॉब है। आई थिंक वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट जॉब्स में से एक जॉब एक्टिंग है। ओके। तो बहुत मज़ा भी आता है करने में, इन द सेंस कि आपको कुछ जो जब हम खाली बैठे होते हैं तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतानी थॉट्स नहीं आने देता आपको कि काम में आप इतने बिजी होते हो तो आपको इतना पकड़ के रखता है एज अ पर्सन और आपको इतनी चीज़ें सिखा देता है। क्या फिल्म इंडस्ट्री में आपका पहले से कोई जान पहचान थी? फिल्म इंडस्ट्री में मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। मेरे डैड का सपना था कि वो एक्टर बने, बट फॉर सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं बन पाए और उनका सपना ही मैं आगे लेकर जा रहा हूँ और उनकी मतलब वो अपना सपना मेरी आंखों के थ्रू देख रहे हैं। okay. और मुझे टीवी पे आते हुए देख रहे हैं। क्या बात है। जब उन्होंने पहली बार आपको टीवी पे देखा था उनके इमोशनल मोमेंट क्या थे? जी, पहली बार उन्होंने 20 सितंबर को देखा था मुझे टीवी पे 2017 में। आपको डेट याद है? जी, क्योंकि मेरे शो की लॉन्च डेट थी एंड बहुत बहुत रोए थे वो और मैं भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी हमारी फैमिली में। क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा एज सच। अभी बिजनेस फैमिली बेस्ड इन दिल्ली, तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि यू नो एक वो होती है कि ये बड़ा होके एक्टर बनेगा, ये बड़ा होके ये बनेगा, कुछ ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बस मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक वही शिद्दत, वही प्यार परफॉर्मेंस के थ्रू मुझे यहाँ पे ले आया। क्या बात है। तो आज आप सबसे सही व्यक्ति हैं ये कहने के लिए कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट चलता है, परफॉर्मेंस चलती है। जी, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक विजन बनाते हैं अपने आप का और आप उस पर स्ट्रिक्टली चलते हैं, आप डाइग्रेस नहीं करते उससे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी चीज़ से, किसी भी और चीज़ से, तो आई थिंक आप जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होती है और टैलेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर वो आपके पास है तो क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे ऋत्विक, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इनको परफॉर्मेंस करना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपको एक्टिंग क्यों पसंद है, तो बहुत सारे अलग अलग जवाब थे, बहुत वेग जवाब थे। इन्होंने सीधा सच्चा कहा, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, बाद में तो अपने आप काम हो ही जाते हैं। बाकी बात है, डिटर्मिनेशन जरूरी है, लगातार कोशिश जरूरी है और इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट चलता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
ज्वाइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। I will join.